Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. I know a lot of you guys are messaging us regarding you're not able to make it to Mumbai to do your documentation process and losing out on your seats because you are not from Mumbai. So guys, those of you are not from Mumbai and this issue you're facing, we have tried to contact to the college and can give you few solutions that can help you to not lose out your seat, because I know so many of you guys are struggling to reach Mumbai within 3 days. It's practically impossible ki 3 din mein bacche ko reservation mil jaye to travel from say Punjab to Delhi or wherever you are staying, Odisha, MP. We are getting messages day in and day out that we have lost our seat because we were not able to do our documentation process. So guys, we'll try to help you out with some suggestion which might help you. Agar impossible hai aapka aana, toh what are the alternatives that you can take? And please guys, make sure that you watch the video till the end. Agar aap Mumbai se nahi ho, it will surely gonna help you. First thing guys, that colleges like Jai Hind, Xavier's, Mitibai, jitne bhi like top 10 colleges hain, I would recommend if you can bring along your parents, please try to do that. Ya to aapka bada bhai ya badi behen, chacha, uncle, auntie, who is the first guardian types, agar la sakte ho to please le aaiye, because kuch bhi undertaking wagaira lena hota hai to wo easy ho jayega aapke liye. So if you can manage to do that, please try to get at least one guardian or a parent with you. अगर आप मुंबई नहीं आ सकते हो कि इतने जल्दी टिकट्स मिले, रिजर्वेशन एंड ऑल दोज थिंग्स, प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट द कॉलेज एंड यू नो कुरियर योर डॉक्यूमेंट टू योर रिलेटिव और योर फ्रेंड. मतलब बोलते हैं ना, रिप्लेसमेंट अगर कॉलेज अलाउ करता है कि आपके बिहाफ पे आपका कोई अंकल आंटी जो कि मुंबई में रहता हो या फिर दोस्त जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करा सके, प्लीज़ ड्रॉप डाउन अ मेल एंड अ डिक्लेरेशन टू द कॉलेज कि ऑन माई बिहाफ प्लीज़ अलाउ सो एंड सो टू डू द प्रोसेस. आपको एक रिटन लेटर देना होगा साइन करके, एंड अगर मेल भी हो सके तो प्लीज़ वो भी करके रख दीजिए. वन मोर थिंग दैट यू शुड नॉट फॉरगेट इज साइन ऑल द फॉर्म्स. जहाँ पे भी कैंडिडेट सिग्नेचर लिखा है, आप प्रिंट आउट लो, उसको सिग्नेचर करके ही भेजना. बिकॉज अगर आप डॉक्यूमेंट भेज दोगे और आपका सिग्नेचर नहीं होगा, फिर से वो कॉलेज वाले इशू करने में नाटक करेंगे. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू नो यू साइन एवरीवेयर जहाँ भी आपको कैंडिडेट सिग्नेचर दिख रहा है. जो भी आप ओरिजिनल भेज रहे हो उसका दो दो जेरोक्स कॉपी सेल्फ अटेस्ट करके भेजो. कैंडिडेट का सिग्नेचर मतलब आपका खुद का सिग्नेचर करके वो जेरोक्स कॉपी अटेस्टेड उन्हें भेज दीजिए. वो अटेस्टेशन करवाना होता है वो अलग बात है, वो तो आप नोटरी यहाँ से भी किसी से करवा सकते हो. बट आई एम सेइंग कि आप प्लीज़ मेक श्योर करें कि ओरिजिनल के साथ दो जेरोक्स सेल्फ अटेस्ट करके भेजें. डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना लीजिए, बिकॉज हर कॉलेज का अलग अलग रिक्वायरमेंट है. जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कॉलेज की, उसके हिसाब से सारे ही डॉक्यूमेंट प्रॉपरली प्लेस करके, मतलब प्रॉपरली लगा कर भेजे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आध भी डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है. हियर इन मुंबई कॉलेजेस आर यू नो आई वुड नॉट हेजिटेट टू से दे आर रूड. सो यू नो मेक श्योर कि आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ डॉक्यूमेंट्स भेजें और मिस आउट ना करें कोई भी डॉक्यूमेंट. गाइज मेक श्योर कि आप अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ जो है वो 10-20 निकाल कर रख लो. मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि कुछ गड़बड़ हो गई, गलत जगह लगा दिया, गलत अटैचमेंट हो गया, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑफलाइन डॉक्यूमेंटेशन के लिए, तो वो एक्स्ट्रा निकाल के रख लेना. पेरेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के लिए प्लीज़ सेंड पेरेंट्स का फ़ोटो आईडी प्रूफ एंड अ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एज वेल. और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपका जो सेल्फ अटेस्टेशन लगेगा वो पेरेंट्स का भी जो आईडी प्रूफ आप दोगे उनका, पेरेंट्स से साइन करवा लेना, उनका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, दो जेरोक्स कॉपी उनके साथ भेज दीजिए. During fees payment, there are few colleges who might ask for the bank details. So make sure आप एक cancel copy check का रख लेना. मतलब एक दो copy रख लो cancel करके, because it might come handy अगर कोई proof मांगा, details मांगा तो. So ये सारी चीज़ें guys ध्यान में रखिए documentation के लिए, because just that you miss out on documentation, उसके वजह से आपके dream college की seat छूट जाए, ये मैं नहीं चाहती. Because we are getting messages and my team is trying to assist you as much as they can. But guys, with this वीडियो आई थिंक आपका जो भी डाउट्स था रिलेटेड टू योर पेरेंट्स सिग्नेचर की डॉक्यूमेंटेशन करोगे वो क्लियर हो गया होगा. ऑल्सो वन एडवाइस आई वॉन्ट टू गिव यू गाइज कि अगर आप वेटिंग लिस्ट में हो, अगर आपको लगता है कि आपके इतने मार्क्स के चलते ये कॉलेज में आ जाएगा, जैसे जेवियर्स की आज लिस्ट आने वाली है,
तो आपको क्या करना है, मतलब प्री रिजर्वेशन करा लो टिकट्स की, सो दैट कि अगर आपका लिस्ट में नाम आ जाए तो आप तुरंत जा सको. सो वो जो 1 वीक का आपके पास टाइम है अभी, यू नो द कमिंग टाइम, अगर आप अपने रिलेटिव के यहाँ आकर रह सकते हो तो वो कर लो. ट्रेन टिकट्स, फ्लाइट टिकट, जो भी आप बुक करना चाहो वो करके रख लो. अगर आपको लगता है, एक्सपेक्टेड है कि भाई लिस्ट में हमारा नाम आ सकता है, तो वो अरेंजमेंट आप कर सकते हो. बिकॉज इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू गेट रिजर्वेशन एंड दिस पीक टाइम पे, एंड स्पेशली टू मुंबई. एट द सेम टाइम कॉलेजेस आर जस्ट गिविंग 3 डेज, दे आर नॉट इवन कंसिडरिंग कि भाई 2 दिन तो आने को लगते हैं कहीं से. एंड इवन कॉलेजेस लाइक जय हिंद आस्किंग फॉर 1 कंपल्सरी पेरेंट आना ही चाहिए. किसी का कुछ दिक्कत हो सकता है यार, 2 टिकट बुक करना इज़ नॉट दैट फीजिबल, मतलब महंगी है, ऊपर से अगर तत्काल में जा रहे हो तो कन्फर्म सीट नहीं है. होपफुली यू नो कॉलेजेस विल अंडरस्टैंड, बट एज यू नो दर्स इमेंस प्रेशर ऑन मुंबई यूनिवर्सिटी ऑल्सो टू स्टार्ट द एकेडमिक ईयर बिकॉज ऑफ दिस डिले इन रिजल्ट एंड ऑल. तो शायद कॉलेजेस भी अपने तरफ से ट्राई कर रही हैं, बट दे ऑल्सो हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल. बट आई होप गाइज दैट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, एंड स्टे ट्यून फॉर लॉट ऑफ सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ऑन माई चैनल. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.